हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर जीएसटी, चैप्टर 12 जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक हम इसके 1-5 क्वेश्चन कर चुके, आज 6th क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें कैश बुक बनानी है। ये कैश बुक जो है आपने पहले भी कर ली थी याद हो, लेकिन वो विदाउट जीएसटी के थी। इसमें ऐसी ट्रांजेक्शन भी आएंगी जो आप पेमेंट करते हो या रिसीप्ट करते हो, तो उनमें जीएसटी भी इन्वॉल्व है। तो जरा क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, उसके बाद शुरू करते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है क्योंकि कैश बुक हमने बना रखी है पहले। डेट पर्टिकुलर LF, कैश कॉलम बैंक कॉलम, क्योंकि ये 2 कॉलम कैश बुक है तो 2 कॉलम खुलेंगे, एक कैश का और एक बैंक का। जो भी कैश की ट्रांजेक्शन हो कैश कॉलम में, और जो चेक से रिलेटेड बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो बैंक कॉलम में। सेम वही साइड आप उधर खोल दोगे, 5 कॉलम उधर और 5 इधर। डेट पर्टिकुलर LF, कैश और बैंक। ये हमने LF छोटा खोला क्योंकि इसमें हमारा यूज कोई नहीं है। अब जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं 6th क्वेश्चन से, बहुत ध्यान से करते चलना, बड़े आराम से करते जाएंगे। 6th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उसके अंदर लिखा हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुमंत कोची इन अ 2 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31st जनवरी 2022 का बैलेंस फाइंड आउट करना है। 1st जनवरी के आपको बैलेंसेज दे रखे हैं। देखो लिखा हुआ है सबसे पहले डेट 2022, कैश बैलेंस बता रखा है, बैंक बैलेंस बता रखा है। दो फर्स्ट और यहां लिख दो 2 बैलेंस BD, दोनों के लिए अलग अलग नहीं खोलने की जरूरत। बैलेंस BD, एक का अमाउंट है 1000, एक का 14500, लिख दो 4000 और 14500। यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा आगे चलते हैं, अगली ट्रांजेक्शन जो आ रही है उसे देखते हैं। कहता है रिसीव्ड एडवांस बाई चेक ₹60,000, एडवांस आया आपके पास 60,000। ये नहीं पता रहा किससे एडवांस आया, अल्टीमेट अमाउंट तो आया है और बाई चेक आया है, तो ये तो पक्की बात है इस कॉलम में लिखा जाएगा। और 2 लिख दो यहां पर एडवांस, अकाउंट का नाम क्या दे देंगे एडवांस, और लिख दो 60,000 बैंक कॉलम। क्यों लिखा बैंक कॉलम, क्योंकि चेक आया था। ये नहीं पता चल रहा किससे आया, पता चलता कि किससे आया तो लिख देंगे एडवांस फ्रॉम, उसका नेम लिख देंगे। अब कुछ नहीं है तो एडवांस अकाउंट लिख दो। अब अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, क्या था विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000, बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है। विड्रू फ्रॉम बैंक क्या काम करेंगे इसका, कुछ नहीं लिखा क्या किया क्या नहीं, इट इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कब पास करते हैं, मैंने आपको बताया जब भी आपका पैसा बैंक से निकले या आप बैंक में डिपॉजिट करो, यानी कि कैश विड्रू फ्रॉम बैंक या कैश पेड इन टू बैंक, दोनों केस में कॉन्ट्रा एंट्री होगी और किसी केस में कॉन्ट्रा नहीं बनती। यहां पर हमने विड्रू फ्रॉम बैंक किया, कितना अमाउंट किया वो जरा चेक करते हैं, 10,000 रुपीज 2nd जनवरी को। अच्छा, बैंक से जब आप निकाल रहे हो तो आपका कैश बैलेंस तो इंक्रीज होगा और बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। यहां पहुंच जाओ, बात क्या थी रहा, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी होती है तो कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा 2 जगह पास होगी, और कौन से केस में होगी, 2 ही ट्रांजेक्शन में होगी। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक तब कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड, कैश पेड इन टू बैंक तब कॉन्ट्रा एंट्री, तीसरे केस में कभी और कोई केस नहीं बनता जिसमें कॉन्ट्रा बने। अब यहां पर आप सी लिख दो, इसमें जिस कॉलम में लिखा उसके अपोजिट लिख दो 2 बैंक। जर्नल एंट्री भी बनाओगे तो ये बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। अब इधर पास करते हैं जरा, यहां डेट है 2nd जनवरी और यहां लिख दो बाई, आपने बैंक कॉलम में लिखा है मैं सी कर दो, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, जो पता चले कि यह ट्रांजेक्शन कहां से आई हुई है। जिस कॉलम में लिखते हो याद रख लो, तो पर्टिकुलर में क्या लिखोगे, वही कॉलम का नेम नहीं, यानी कि बैंक नहीं, दूसरे वाले का कैश। ऐसे इसमें देखो हमने कहां लिखा था, कैश में, तो क्या लिखा है यहां पर पर्टिकुलर में, बैंक अकाउंट। क्लियर है। अब जरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रही है। कहता परचेजेज गुड्स फ्रॉम अमित, अमित से परचेजेज हुई है 13,000 की, प्लस CGST एंड SGST 6% ईच एंड पेड बाई चेक, और पेमेंट कैसे हुई है चेक के थ्रू, तो 3rd जनवरी की हुई है, आप यहाँ 3rd लिख दो और यहाँ लिख दो बाई परचेजेज, जितने की हुई है बाई परचेजेज अकाउंट, 13,000 है चेक के थ्रू है तो इस कॉलम में लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर IGST और CGST दोनों है तो लिख दो आप, यहाँ लिखो इनपुट परचेजेज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इनपुट CGST अकाउंट और फिर इनपुट, ये तीनों एक साथ ही एंट्री है, ये SGST अकाउंट, और 6% आप इसका करते हो तो 780 बनता है, दोनों में 6% है। क्लियर है, ये इनकी डेट डाल दो 3rd जनवरी, तीनों की सेम है क्योंकि एक ही साथ ट्रांजेक्शन हुई थी। आप जरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है पेड वेजेज ₹2500, अब वेजेज पे कर दिया आपने,
2500 फोर्थ जनवरी लिख दो, बाई वेजेज, कुछ नहीं लिखा तो कैश में पे किया है तो कैश कॉलम में लिख देंगे 2500। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब अगली ट्रांजेक्शन को देखते हैं, बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है, बड़े ध्यान से देखते चलना, अच्छी अच्छी अभी ट्रांजेक्शन आ रही है। कहता है रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, बड़ी अच्छी ट्रांजेक्शन है, अ चेक फोर रुपी 9800 बोलता है अगेंस्ट ड्यू ऑफ रुपी 20,000 ऑन अकाउंट। इसका मीनिंग ये निकलता है, ऑन अकाउंट का मतलब मोस्टली हम ये सोचते हैं कि ये बैंक अकाउंट है, बैंक नहीं होता ऑन, और मोहन ने कितना दिया आउट ऑफ विच 9800 अभी, और वो भी उसने चेक दिया, तो अल्टीमेट हमारे पास कितना पैसा आया, यानी कि मोहन को हमने कभी सेल आउट कर रखा होगा पास्ट में 25,000 का, तो उसके अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया हमारा 25 लेना है, क्योंकि क्रेडिट में सेल हुई होगी, आउट ऑफ विच ही इज पेइंग 9800, तो अभी 98 से ट्रांजेक्शन होगी। अब जो 5 जनवरी को आई है इसके बारे में भी एक और चीज है, आपको एक नोटिस कराता हूं, जब कभी भी कोई चेक आए तो आप ये भी चेक करा करो नेक्स्ट डेट के अंदर उसकी कोई डिटेल्स तो नहीं है। देखो नेक्स्ट डेट में लिखा गया 8 जनवरी को मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि 5 जनवरी को जब चेक आया था तो मोहन ने उस चेक को डिपॉजिट नहीं करा, चेक इन हैंड रखा, अपने पास रखा। और जब कभी भी कोई चेक आपके पास आए और वो अदर डेट में बैंक में डिपॉजिट हो तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी वर्किंग नोट्स में, चले जाओ और यहां लिख दो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 9800 और 2 कर दो यहां पर मोहन जिससे चेक आया। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत अच्छी एंट्री है कि चेक आया 5 जनवरी को, बट जो भी फर्म थी ये, इस फर्म का नाम है जो है सुमंत, इसने उस चेक को डिपॉजिट नहीं करा सेम डे, अदर डेट में डिपॉजिट है 8th को। अब 8th की आ रही है, कहता है 8th मोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, नाउ वी आर डिपॉजिटिंग चेक इनटू बैंक, अब हमारी कैश बुक में बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। पहले वाली ट्रांजेक्शन में क्यों इंक्रीज नहीं हुआ वो भी बताता हूं, चेक आया और वो हमने अपने पास ही रखा, बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, तो ऐसे में हमें क्या करना है, कैश बुक में उसकी ट्रांजेक्शन नहीं करते, वर्किंग नोट बनाओगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे, 5 कॉलम खुलते हैं जर्नल एंट्री में, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट, मैंने बिना फॉर्मेट के कराए, तो आपको ये नरेशन के साथ करनी होगी और साथ में जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, तो यहां एंट्री दिखानी होगी जो कैश बुक में ना आए, याद रख लो। अब जो है 8th जनवरी आ गई, 8th जनवरी वो कह रहा है वो चेक जो था आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लिख दो चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट कितने का था 9800। यहां तक क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, कहता परचेज स्टेशनरी फॉर कैश रुपी 1500, नाउ वी आर परचेजिंग द स्टेशनरी 1500 की प्लस GST SGST 6%। तो जाहिर बात है कि जब हम परचेज करेंगे तो ये भी सोचा करो कि इधर लिखें या इधर लिखें, देखो ये पेमेंट वाली साइड है, चाहे मैं कैश में पे करूं चाहे चेक के बैंक के थ्रू पे करूं, ये रिसिप्ट वाली साइड है, जब भी मनी आएगी बिजनेसमैन के पास तो वो इधर लिखेगा, बिजनेसमैन और अपने आप को ही मान लो आप। नाउ वी आर परचेजिंग द स्टेशनरी, तो क्या इंपैक्ट होगा, स्टेशनरी जब हम परचेज करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, मनी जाएगी, तो इधर नहीं लिखेंगे इधर लिखेंगे, अपने आप को बिजनेसमैन मानो कि ये आपकी बुक है, आप कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है तो इधर दिखा दो, जा रहा है तो इधर दिखा दो। नाउ ये परचेजिंग कर रहे हैं स्टेशनरी तो इधर आ जाएगी, बाय स्टेशनरी कितने की परचेज कर रहे हैं, स्टेशनरी चेक करो कितने की परचेज हुई है, 1500 और वो भी कैश में, ये भी याद रख लो, और इसकी डेट भी आप, आपको इनपुट लगेगा एक्सपेंस के लिए, क्या वर्ड लगता है इनपुट CGST और इनपुट, ये दोनों सब की डेट सेम है क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन है, SGST अकाउंट, ये चीज क्लियर है, और कितना बनेगा 6% करो इसका 90 रुपी। यहां तक क्लियर हुआ, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6%, तो ये कहां से लिखा हमने, इसका निकाला, यहां लिख देता हूं मैं आपको थोड़ी देर के लिए, 6% है ये और इसका निकलेगा ये, आपने लिखना नहीं है समझाने के लिए बस। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, नेक्स्ट आ रही है बॉट गुड्स इंक्लूडिंग IGST, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है देख के चलना। अब इसके अंदर 6720 आपको इंक्लूडिंग दे रखा है कि आपने परचेजेज करा जिसमें IGST इंक्लूड है, अल्टीमेट परचेज करी हमने ये, और किसके थ्रू परचेज करी है, यहां कुछ नहीं लिखा तो कैश में परचेजेज हुई है ये, तो अल्टीमेट इसकी एंट्री कैसे लिखेंगे, पहले तो एंट्री की बात करो, इन सब की तो डेट 14 डाल दो आप, ये तो सब 14 ही आ रही है, और जो परचेजेज हो रही है वो 16 को हो रही है, यहां लिख दो बाई परचेजेज
और इसके ऊपर आपने IGST भी पे कर रखा है, तो यहाँ लिख दो बाई इनपुट IGST जो दे रखा आपको, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालें वो नहीं समझ आ रहा। उसने टोटल दे रखा है 6720 इंक्लूडिंग IGST, तो इसमें कितनी वैल्यू लिखे और इसमें कितनी वैल्यू लिखे ये नहीं पता। वर्किंग में चलो ये देखो, आपने जो अमाउंट पेड करा वो तो हमें पता है, अमाउंट पेड या लिख लो विद IGST किस चीज का पे करा होगा, देखो एक तो परचेज प्राइस का करा होगा आपने और प्लस IGST का रखा होगा, यही तो कर रखा होगा भाई। जो हम पैसा दे रहे हैं किस चीज का दे रहे हैं, एक तो परचेज कर रहे हैं और साथ में IGST दे रहे हैं, दोनों को मिला दें तो अमाउंट पेड हुआ। ये चीज तो गिवन है 6720 आपके सामने, लेकिन ये चीज गिवन नहीं है, परचेजेस तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, परचेजेस को एक्स मान लो। जाहिर बात है जो टैक्स लगा होगा तो कॉस्ट पर लगा होगा जो परचेज करा है, ये तो इंक्लूडिंग है, इसके ऊपर टैक्स थोड़ी लगा होगा, टैक्स तो जो चीज मैंने परचेज करी होगी उसके ऊपर टैक्स लगा होगा, उन दोनों का अमाउंट हमने पे किया होगा, तो एक्स इसका 12% ऑफ एक्स करो, 12% ऑफ एक्स। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस 12/100x वैल्यू निकाले तो 6720 इक्वल टू, नीचे तो 100 हो गया और ऊपर चेक करते हो तो 112x हो गया, और x की वैल्यू निकालोगे आप तो 6000 आ जाएगी, x आ गया। x क्या चीज माना था हमने, परचेजेज, तो परचेजेज में तो लिखो 6000, बहुत अच्छी एंट्री थी, और 12% इसका चेक भी करोगे तो 720 आ गया भाई। यही तो था हमारा कि ये कितना रेट था, 12% मैं लिख रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है, ध्यान रखना 12% ऑफ दिस, इसका टेस्ट भी हो जाएगा, दोनों को मिलाकर कितना पेड करा हमने 6720, यहाँ टेस्ट हो गया ये कि वो चीज हमारी निकली है। तो आपको हमेशा ऐसे कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में दिखा दिया करो ये वैल्यू कहां से आई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, 16 आ रही है, इशूड चेक टू श्याम ₹3700, 3700 का चेक हमने श्याम को इशू करा, सिंपल प्लेन एंट्री है, कोई मुश्किल नहीं है, बाई करो यहां पर बाई श्याम, कितने अमाउंट का किया आपने 3700, लिख दो 3700, कोई मुश्किल ही नहीं है इसमें, तो ये तो बहुत ईजी एंट्री थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद 20 को है ड्रीव फ्रॉम बैंक, ये तो 19 की थी, अब आपने बैंक से पैसे निकाल लिए ड्रीव फ्रॉम बैंक 3000 रुपी, अब क्या इंपैक्ट हुआ होगा, देखो कैश तो आ गया, क्योंकि जब भी आप बैंक से विड्रीव करोगे तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, हमारी पॉकेट में कैश आएगा लेकिन बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आप लिख दिया करो कि ये यहां पर आएगा, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रा कब बनती है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रीव फ्रॉम बैंक, इन दो के अलावा कभी किसी केस में कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। आप इसके आगे सी लिख दो और इसके आगे भी सी लिख दो, ये कौन से कॉलम में लिखा है, पर्टिकुलर में कैसे लिखते हैं वो समझा देता हूँ, कौन से कॉलम में है कैश, तो अपोजिट वाला लिख दो बैंक, आपको दिक्कत, जर्नल एंट्री भी बनाओगे तो यही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इधर की बात करो भाई, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्यों लिखा मैंने यहाँ, क्योंकि आप ये चेक करो कैश अकाउंट किस लिए लिखा हमने, ये 20 की थी, कौन से कॉलम में है बैंक में, तो मैंने आपको बताया जोन से कॉलम में लिखा होगा उसके साथ वाले कॉलम का अकाउंट लिख दो, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगली चलते हैं 20 के बाद वाली, 22 को आ रही है, कैश ड्रॉन फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब ड्रॉन कर लिया हमने, कहां से करा, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल में कॉन्ट्रा बनती नहीं, मैंने आपको बताया कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक या कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, वरना आपको कॉन्ट्रा का एक और लॉजिक बताता हूं बहुत अच्छा, जब कभी भी जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक देन वी विल पास कॉन्ट्रा एंट्री, या एक और एंट्री बने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश तब कॉन्ट्रा, और किसी जर्नल एंट्री में कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। अब ये ड्रॉइंग्स हो गई तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कॉन्ट्रा तो बनती नहीं, हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया और ये ड्रॉइंग्स आ गई, तो यहां पर आप पुट कर दो 22 को बाई ड्रॉइंग्स, यहां तक क्लियर हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं लग रही होगी, बड़े आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझते जाओ, एक एक एंट्री को कोशिश करेंगे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें जो आपको प्रॉब्लम कोई ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट लिखी हुई है कैश सेल्स इंक्लूडिंग CGST SGST 6%, अब इसमें वही पॉइंट आ गया, सेल करी आपने कैश में, कैश सेल्स करी 1904 की, पहले तो आप ये देखो सेल्स किधर लिखोगे, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, पैसे आएंगे तो किधर लिखे जाएंगे वो यहां पर, इसकी डेट पुट कर देते हैं सेल्स की, वो 24th है, एक तो सेल्स करो यहाँ सेल्स अकाउंट, और फिर यहाँ करो आउटपुट लगता है इसके लिए, तो आउटपुट वर्ड यूज करो CGST और टू आउटपुट
SGST। अब ये वैल्यू का पॉइंट यहां पर भी वही है जैसे इस क्वेश्चन में आया था एक में, कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखो हमें जो वैल्यू दे रखी है अब 1904 दे रखी है, तो अल्टीमेट यहां पर भी वही बना लो आप। ये देखो कैश रिसीव्ड आपके पास कितना आ रहा है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना आया, एक तो सेल्स अमाउंट का आया होगा जितने की सेल करी, प्लस SGST का आया, CGST का आया होगा और प्लस SGST का आया होगा, यही तो आया होगा। टोटल आपको दे रखा है 1904, सेल्स देने रखी क्योंकि टैक्स इसके ऊपर लगा होगा, याद रख लो आपका सेल्स तो है ही नहीं हमारे पास, ये रेट पता है, तो ये रेट किसके लगे होंगे 6% ऑफ सेल्स के, ये तो मिलकर आया हुआ है 1904 के आया हुआ है इंक्लूडिंग आपको जो है CGST SGST दोनों मिलाकर। तो कैसे सेल्स निकाले, सेल्स को एक्स मान लो, जाहिर ही बात है CGST किस पर लगा होगा, 6% ऑफ एक्स, और ये भी कितना है 6% ऑफ एक्स, निकाल लो अब 1904 और इक्वल टू करो ये एक्स प्लस 6/100x और प्लस 6/100x करोगे आप इसका, तो 1904 इक्वल टू जो बन जाएगा 112x डिवाइडेड बाय 100, और x की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो वो आ जाएगी 1700। ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा जो है 17 क्या चीज निकल गई, x, तो मैं सेल्स में तो पुट करता हूं यहां पर, अब ये लो जी सेल्स में तो 1700। अब टेस्ट भी आपका हो जाएगा, देखो अभी ये 17 हमारी सेल्स आ गई थी, इसका 6% करते हैं तो कितना बन जाएगा जरा एक बार चेक करें, तो 102 लिखो, 102 इसका भी 6% ही था तो 102, ये यहाँ टेस्ट भी हो गया कि ये ठीक निकला या गलत निकला हमारा। ये चीज क्लियर हो गई आपकी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, रिसीव्ड फ्रॉम राकेश, राकेश से आए 18,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 500, डिस्काउंट अलाउड भी है 27th को, राकेश से ये सब की डेट डाल दो, और ये 27th को आपके पास राकेश से आया है, राकेश के अकाउंट में लिखते हैं कितना राकेश से आया है, 18,000 लिखो, 18,000 यहाँ तक कोई मुश्किल, जितना आया। अच्छा हमने उसको अलाउड करा 500, तो एक मिस्टेक तो हमसे ये हो सकती है कि 17,500 ना मान ले कई बार हम, क्लियर मेंशन अच्छी तरह पढ़ो, रिसीव्ड फ्रॉम राकेश और उसके सामने लिख दिया यानी कि इतना आया है, लेना था हमने राकेश से 18,500, कैसे पता चला, अलग लिखा है डिस्काउंट अलाउड, भाई हमें मिल गया 18,000 और डिस्काउंट भी अलाउ करा हमने, तो लेना तो कितना था हमने उससे 18,500, इट इज डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड यहां पर आएगा नहीं, चलो यहां पर उसको जर्नल एंट्री पास कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 और 2 कर दो यहां राकेश, ये सब आपको फॉर्मेट में करके दिखानी है, ध्यान रख लेना मैं बिना फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ बोर्ड के ऊपर दोनों चीजें नहीं आएंगी कि कैश बुक भी बने और जर्नल एंट्री का भी फॉर्मेट बने, वो छोटा पड़ेगा, तो आपको ये मैंने एंट्री लिख दी, आप इनको फॉर्मेट में कर देना। अब आगे चलते हैं, ये 27th की थी हमारी, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब 27th के बाद नेक्स्ट आ रही है, नेक्स्ट आ रही है डिपॉजिटेड कैश इन टू बैंक 15,000, अब फिर कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, जर्नल एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अल्टीमेट बैंक इंक्रीज हो रहा है हमारा 15,000 से और कैश डिक्रीज हो रहा है, ये अमाउंट यहाँ लिख दो आप दोनों, ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए लिख लो, जर्नल एंट्री बना लिया करो, कॉन्ट्रा हो गई, टू कौन से कॉलम में है बैंक, तो यहाँ कैश कर दो, कैश अकाउंट, और ये कैश कॉलम में है तो यहाँ पर बैंक वर्ड, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी अभी, बैंक अकाउंट, कोई मुश्किल ही नहीं होगी आपको। अब इनकी डेट पुट कर देते हैं, 28th है, ये भी 28th है इधर और ये भी 28th, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये मुश्किल है। अब जरा आगे चलते हैं, चलो जी अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रही है, इशूड चेक फॉर कैश परचेजेज इंक्लूडिंग IGST 12%, यहां पर भी वही पॉइंट आ गया कि अब आपने परचेजेज करी है जिसके अंदर IGST इंक्लूड है 12%। अब जरा यहां देखते हैं, सबसे पहले तो डेट लिख दो, आप परचेजेज कर रहे हो तो यहां लिखो परचेजेज अकाउंट, और साथ में यहां करो आप इनपुट IGST, क्योंकि IGST है इसमें 12%, डेट इसकी लिख देते हैं 28th है, वैल्यू कैसे निकलेगी 2240 है, लेकिन उसने बताया कि जो हमने परचेजेज करी है चेक के थ्रू करी है, अब उसकी ट्रांजेक्शन कैसे लिखेंगे, वो वर्किंग में ही जाओ, जैसे ये निकाला था सेम ऐसे ही निकाल के लाएंगे, आप इसको एक्स मान लोगे, जैसे बता रहा हूँ यहाँ स्पेस नहीं है, लेकिन आप एक्स मान लोगे, इसकी वैल्यू निकलेगी 2000 और इसका 12% करोगे तो 240, यहां तक क्लियर हो गया,
ये समझ आ गया। सेम ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर आप लिखोगे 2240, यहाँ पर 2000 प्लस जो है 12%, तो ये चीज़ निकलेगी। कहो तो मैं यहाँ छोटा सा करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो जरा, हमने पेमेंट करी 2240, परचेजेज को एक्स मान लिया, ये लो परचेजेज को एक्स मान लिया और प्लस 12% ऑफ एक्स। अब x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगी, ये तो x है और ये कितना है 12/100x, x की वैल्यू निकाल लाओगे तो वो 2000 आ जाएगी। x क्या चीज़ मान ली मैंने परचेजेज, इसी पर तो टैक्स लगा होगा 12%, तो वो लिख दिया हमने 12% ऑफ 2000 करोगे तो कितना बनेगा 240। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ है, सॉरी ये हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट है, तो कौन से कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में, ये लो यहाँ लिख दो 240। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगली ट्रांजेक्शन आ रही है 30th में रेंट पेड है, बाय रेंट पेड, रेंट अकाउंट कितना जा रहा है देखो, वो भी चेक के थ्रू पेमेंट है, लिखा है पेड रेंट रुपी 2000 बाय चेक प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी, अलग से ऐड करना है, इंक्लूड नहीं है, इससे ऊपर वाली में इंक्लूड था, तो ये तो प्लेन हो गई। बाय रेंट में लिखो 2000 और यहां पर करो आप इनपुट, जितने भी एक्सपेंसिज होंगे सबके लिए इनपुट लगेगा, सीजीएसटी अकाउंट और बाई इनपुट SGST अकाउंट, कितना इसका 6% करते हैं 120, इसका भी करते हैं तो 120, और इनकी डेट लिख दो आप 30, कोई दिक्कत, क्योंकि ये 30th की थी दोनों की, रेंट की इनपुट की। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लास्ट ट्रांजेक्शन खत्म हो गई हमारी, अब इनकी टोटलिंग करते हैं और बैलेंस शीट फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलो जी अब इनकी टोटलिंग करते हैं, पहले कैश कॉलम का करते हैं फिर उधर का करते हैं कैश कॉलम, कहीं कैश कॉलम का जब आप इधर का करते हैं तो 33904 आ रहा है, ये लिख लो यहाँ 33904, ये तो कैश कॉलम का टोटल आया, तो ये भी 33904 आया। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा बैलेंस सी डी निकालेंगे, वो कैसे निकलता है वो देखो, 31 मार्च को यहाँ लिखो बाई बैलेंस सी डी, बैलेंस कैरी डाउन, कैसे निकलेगा ये सारी फिगर को इसमें से माइनस करेंगे, जब इसमें से माइनस करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 8004, क्लियर है। अब जरा इधर का बैंक का टोटल करते हैं, वो 99300 आ रहा है, मैंने कर रखा है, आप टोटल कर लेना 99300। अब उसमें से ये सब जब हम माइनस करते हैं तो 61560 आ रहा है, 61560, ये चीज क्लियर है यहां तक। अब इसी के अंदर क्या करते हैं, ये टोटल हमने निकाल दिया, इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया करो, टू बैलेंस बीडी बना दिया करो, ये बैलेंस सीडी तक पूछा था हमसे, लेकिन फिर भी यहां लिख दो टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना आया आपको पता रहेगा, 8004 और दूसरा 61560, ये चीज क्लियर है, 8004 और 61560, 8000। अब ये आज हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 6th, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट थे, क्योंकि इनके अंदर क्या था, कुछ तो हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी थी कैश बुक के साथ साथ, और कुछ पॉइंट ऐसे थे जिनके अंदर इंक्लूडिंग IGST CGST था, जो हमने वर्किंग में निकाल के दिखा दिया। जब भी हो एक्स मान लिया करो, परचेजेज है तो परचेजेज को एक्स मान लो, सेल है तो सेल को एक्स मानो, क्योंकि उसी के ऊपर सेल लगता है, या अमाउंट पेड का मतलब तो है कि दोनों मिलाकर दिए, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ये कितना था और इसी के ऊपर तो लगा होगा टैक्स, तो निकाल देंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, 7th क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट में, आप इसकी प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।